तो भाई साहब कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बस ऐसे ही वॉक पे निकले थे कि सोचा कि भाई रिकॉर्डिंग भी करता चलें और आप दोस्तों को भी भाई यूरोप दिखाएंगे कितना खूबसूरत है। बिल्कुल ज़बरदस्त है भाई। आप पाकिस्तान वाला काम नहीं होता। सारी जो चीज़ें हैं ना वो तौर और तरीक़ों से होती हैं, रूल्स और रेगुलेशन से। यहाँ के बंदे भी जो है ना बहुत पंक्चुअल हैं और जो भी मतलब कायदे हैं ना उन सबको फॉलो करते हैं यहाँ के बंदे भी। हमें जाना है ये दरअसल इस तरफ मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी है। भाई देख लो जी, देख लो जबरदस्त मौसम है, जबरदस्त सीन है यहाँ पे। आज संडे है तो इसलिए जो है ना ट्रैफिक इतनी नहीं है ज़्यादा रोडों पे, पता नहीं क्यों, वरना तो बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत बंदे होते हैं, ये वो घूमना फिरना। वर्किंग डे होता है ना इस वजह से, और सैटरडे सैटरडे को तो खुली होती है, संडे को कुछ शॉप्स भी बंद हो जाती हैं यहाँ पे। तो भाई ये रोशनी तो कबाड़ा कर रही है, इस साइड पे कर देता हूँ मैं कैमरा को। और ये जो चैनल है ना वो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अभी तो बिज़ी हूँ, जैसे ही फारिग हूँगा तो इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है ना मैं डालता रहूँगा, वीज़ा इंटरव्यूज़, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आके क्या करना है, पार्ट टाइम जॉब्स, लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। और आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है ना कि वीज़ा लगना, और यहाँ पर आप जो है ना वो कैसे पहुँच सकते हैं। बहुत लोग कंसल्टेंट का जो हेल्प लेते हैं और फिर चूना भी उनको ही लगता है, ठीक है ना। अगर आते हो तो भाई एक वेरीफाइड ऑथराइज्ड कंसल्टेंट के थ्रू ही आए, ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंट आप चूज़ करते हो तो, वरना सीनियर से हेल्प लो, ऐसे ही आप पहुंच जाओगे। क्योंकि जब बंदा खुद करता है ना, उनको उसको उस बंदे को नॉलेज होती है ना चीज़ों की, तो वो बहुत कुछ सीखता है यहाँ पे आके, क्योंकि वो बंदा स्ट्रगलिंग होता है ना, फिर तो खुद ही सारे चीज़ें एक्सप्लोर करता है, ये ऐसे है तो क्यों है, या ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ये वो चीज़ें। और ये जो इलाका है ये इस सिटी का महंगे तरीन इलाकों में से एक है, और इस इलाके में दुनिया की सारी जो गाड़ियां हैं ना कंपनीज इस इलाके में मिलती हैं, मतलब के घूमते फिरते हैं ना, एक्सपेंसिव होटल्स हैं ये वो।
देखो भाई देखो, जो यूरोप है बहुत खूबसूरत है। ये रोडों भी मतलब पुरानी है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है, बहुत पुरानी है ये रोडें भी। तो हमारे यहाँ जैसे बनाते हैं, जैसे बरसात आती है तो रोड ही ख़राब, नाले ही ख़राब, तो रोड ही ख़राब। कोई तरीका नहीं है, ना कोई पूछने वाला है ये वो। और अभी जो है यहाँ पर 6:36 हुए हैं, और यूरोप में एक चीज़ है कि यहाँ पर जो सनसेट होता है वो मई और जून में रात को 9 बजे होता है, ठीक है। और जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, तो इसमें जो है वो 8:30 बजे तक जो है ना सनसेट होता है। अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, ये वो, ये जो पत्ते वगैरह हैं ना, दीज विल बी नो मोर ऑन द ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो इस वजह से। ये जो सामने है ना, ये मेरे सामने ही हॉस्पिटल है, ठीक है, इस एरिया का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल क्रॉस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी जो है ना सुपरमार्केट जा रहा हूँ मैं, ठीक है, वन डोर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। आप महीने का सामान साथ लेकर आओ तो मतलब ऐसा ही होता है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, मच्छी, गोश्त, आलू मसाले, भाई किचन स्टफ मिलता है, मतलब सारी चीज़ें ना एक ही वो मार्ट में मिलते हैं, सस्ते भी हैं। एक और चीज़ यहाँ पर जो मैंने नोटिस की है, मतलब यूरोप में हर जगह है कि यहाँ दरख्त ज़्यादा है, इसलिए जो है ना यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। बहुत दरख्त हैं, सॉरी, दरख्त हैं बहुत, जंगल लगता है। जब पाकिस्तान से यहाँ पे कोई बंदा आता है ना, इतने दरख्त हो भाई, जंगल में शहर बना लिया इन लोगों ने तो। पर एक ज़बरदस्त चीज़ है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ है ये एक। क्योंकि इनको पता है भाई इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, हेल्थ क्या चीज़ है। हमारे यहाँ तो बस क्या बताएं, जुगाड़ ही है सिर्फ। हमारे यहाँ भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, चीज़ें हैं, पर वो अमल नहीं होती ना, इस वजह से। तो गाइस, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये तो मैंने ऐसे ही बनाई थी कि आपको दिखाऊं चीज़ें, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।